नमस्कार दोस्त। तो भाई आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि आप लोग अपने लिए घर बैठे एक नया वोटर आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं, यानी कि वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बता रखा है। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि भाई मैंने तो वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, लेकिन अब मैं उसका स्टेटस चेक नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारा अप्लीकेशन अभी तक कहाँ पर है, मतलब कि हमारे अप्लीकेशन की कंडीशन अभी क्या है। मेरा अप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, क्या मैं अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मतलब कि स्टेटस चेक करना नहीं आता। तो दोस्त आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ये चेक करना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या फिर नहीं है, या फिर किस बैंक अकाउंट से लिंक है, तो आपको उस वीडियो का लिंक वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लेना। वहीं पर अगर आप लोग फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड के रिगार्डिंग डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लेना। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। दोस्त अगर आप लोग भी अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड जनरेट हुआ है या फिर नहीं, या फिर आपके वोटर आईडी कार्ड का अभी कंडीशन क्या है, कहां पर पहुंचा है, ये सारा कुछ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सिंपली आप लोग अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप कीजिए वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन सर्च करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो इसे अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए दो तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पर पासवर्ड यानी कि नया यूजर है तो न्यू यूजर पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, साइन इन हो जाइए, या फिर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉग इन हो जाइए, या फिर विदाउट लॉग इन हुए आप यहाँ से कुछ भी वर्क करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ एक ऑप्शन है स्किप लॉगिन का, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहां से आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का भी लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट कर लेना। अब देखिए अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है वोटर आईडी कार्ड के लिए और उसका स्टेटस आप लोग चेक करना चाहते हैं तो सिंपली देखिए नीचे में काफी सारे ऑप्शन हैं, एक्सप्लोर, करेंट, पर्सनल वॉल्ट, गैलरी और उसके बाद डाउनलोड का। आपको सिंपली करना क्या है, एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके सामने मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड फॉर्म का, उसी तरीके से एक ऑप्शन है स्टेटस ऑफ अप्लीकेशन का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंटर रेफरेंस आईडी देना होगा। अब देखिए ये रेफरेंस आईडी तब आपको मिल जाएगी जब आप यहाँ से अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के बाद फॉर्म को सबमिट करोगे ना, तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो उसी टाइम आपको रेफरेंस आईडी दे दिया जाता है ताकि आप अपनी अप्लीकेशन को, अपनी फॉर्म को चेक कर सको, उसका स्टेटस देख सको कि आपका अभी ईपिक आईडी बना है या फिर नहीं बना है। ठीक है, तो रेफरेंस आईडी आप यहाँ पर डाल दीजिए जो भी आपने नोट करके रखा हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने रेफरेंस आईडी डाल रखा है, यहाँ पर आपको ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये प्रोसेस लेगा, उसके बाद आपके एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है ट्रैकिंग स्टेटस एज ऑन 2/2/2021 इज एक्सेप्टेड, मतलब कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारा कुछ वो यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए सबमिटेड हो चुका है, मैंने 23 तारीख को ही किया था। उसके बाद BLO अपॉइंटेड हो चुका है, फील्ड वेरीफाइड भी हो चुका है और ये एक्सेप्टेड भी हो चुका है, जिससे कि देखिए यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखा हुआ है ना। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन में एक्सेप्टेड का जो ऑप्शन है यहीं पर आपको रिजेक्टेड का ऑप्शन दिख जाएगा। किसी भी कारणवश अगर आपके डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट होता है या फिर फील्ड वेरीफाइड होता है उस वजह से वहां पर रिजेक्ट होता है तो आपको यहां पर रिजेक्टेड का ऑप्शन दिख जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात कि यहां पर मेरा ईपिक जनरेट भी हो चुका है, यहां पर देख लीजिए मेरा ईपिक जनरेट भी हो चुका है और मेरे ईपिक का नंबर भी कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आप इसे चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं।
और देखिए यहाँ पर ईपिक जनरेट मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो कार्ड होता है ये आपके आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिकली आपको 3 महीने लगेंगे, सॉरी बोलने में प्रॉब्लम हो गई, 3 महीने आपको लगेंगे वोटर आईडी कार्ड रिसीव करने में, प्राप्त होने में, लेकिन आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो यहां पर ईपिक जनरेटेड हो चुका है, मेरा वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, अब इसे डाउनलोड करना बाकी है। तो डाउनलोड भी कैसे करेंगे, उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है, तभी आप डाउनलोड कर पाओगे। और यहाँ पर देखिए रिसेंट में आपने जो सर्च कर रखा है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और अप्लाइड फॉर्म्स, जो फॉर्म्स अप्लाइड आपने किया है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप सारा कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप डाउनलोड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको लॉगिन करना है। देखिए यहाँ से अगर आप डाउनलोड कीजिएगा तो प्लीज़ क्लिक ऑन लॉगिन टू सी योर ईपिक, मतलब लॉगिन कीजिएगा तभी आप अपना ईपिक चेक कर पाइएगा। तो आप लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद डाउनलोड कर लीजिए और उसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं किसी भी काम में। तो दोस्त मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आज बस इतना ही। तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।